ऑलराइट प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हम DIY करने वाले हैं। मैंने कभी भी आपके साथ DIY मैंने ड्रेसेस शेयर की हैं या फिर मैंने फैब्रिक पेंटिंग शेयर की है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप ये एज्ड लुकिंग विंटेज वेसेस बना सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न ये जो वेसेस हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और मुझे बहुत ही मज़ेदार दिखे ये, क्योंकि बहुत ही नेचुरल अर्थी किस्म के एंड रस्टी से हैं बेचारे से, राइट। और मुझे ऐसी चीज़ें जिन पे बहुत ज़्यादा चमक धमक नहीं हो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मुझे ये चाहिए। जब मैं बाज़ार में ख़रीदने के लिए गई तो ये बहुत एक्सपेंसिव थे। अगर मैं इस साइज़ का वेस्ट लूँ तो अराउंड $80-100 में आ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं DIY करती हूँ। तो ये वाले वेसेस अलग अलग शेप में, नॉट दिस दैट एंड दैट, मुझे थ्रिफ्ट स्टोर से मिला है। आई थिंक ये वाला $6 में था और वो आई थिंक 4 समथिंग में। एंड इन दोनों को हम चेंज करके हमारी नई ट्रेंडी लुक देने वाले हैं। अगर आप इस DIY के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ देखते रहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत प्यारी वीडियोज़ बनाती हूँ। एंड ऑल्सो कमेंट बार में छोड़ सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और ट्रेंडी DIY करूँ। सो मुझे बहुत ही मज़ेदार अच्छे प्राइस पे ये पॉट्स मिले हैं। एक तो है ये रेड एंड ब्लैक जो कि बिल्कुल मेरे स्टाइल का नहीं है। अगला है, इसकी शेप बहुत अच्छी है, बहुत ही चमकदार, अच्छा ग्रे कलर का। ये ग्लास का इनका मटेरियल है, क्या बोलेंगे इसको आई डोंट नो, बट ये ग्लास जैसे ही वेसेस हैं। अगला है ये मिट्टी का वेस है, बट ये मैंने बहुत समय पहले ख़रीदा था और मैं इसके लुक चेंज करना चाहती हूँ। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हम फ़िलहाल के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, बेकिंग सोडा एंड कोई सा भी कलर। आप डॉलर स्टोर से एक्रेलिक कलर्स भी ले सकते हैं, या फिर आप जो भी आपके घर में बचा हुआ पेंट हो, इंडोर या आउटडोर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो ब्रशेज़, ये दो चॉइसेस हैं, आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे चाहिए होगा स्पैकलिंग पेस्ट, जिससे लाइक आप दरारें भरते हैं ना, वैसा पेस्ट होता है ये रेडी टू यूज़ है। आप वो भी ले सकते हैं जो आप घर पे बना के यूज़ कर लें, पर ये बहुत आसान है और 15 मिनट में ड्राई भी हो जाता है। नीचे मैं प्रोडक्शन के लिए रख रही हूँ कि ताकि मेरा ये जो डेक है ख़राब नहीं हो जाए। उस पर मैं तीनों पॉट्स रख लूँगा। हिम्मत भी मेरा साथ दे रहा है यहाँ पे। ये एक रेड डब्बा है जिसमें पेंट को मिक्स किया जाएगा। पेंट ले लूँगी मैं जितना मुझे चाहिए एंड उसमें अंदाजे के साथ हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारा वेस है उसमें टेक्सचर आ जाए, जैसे मिट्टी वाले वेस में टेक्सचर होता है। एंड बाद में हम स्पैकलिंग पेस्ट तो यूज़ करेंगे, पर उससे पहले ये एज अ प्राइमर जैसा काम करेगा और स्पैकलिंग बहुत इजीली बिल्ड हो जाएगा का एक मिक्सचर बनाएंगे और उसे हम ब्रश कर देंगे। पहले मैं ये मिट्टी वाले पॉट पे कर रही हूँ। इस पर करना इतना आसानी है क्योंकि इस पर ऑलरेडी टेक्स्चर है एंड स्टाइल है। सो जैसा कैसा भी होता है हम करेंगे, एक ही कोट करेंगे क्योंकि ये एज अ प्राइमर काम करेगा, राइट। उसके बाद ये जो ग्लास के वेसेस है इस पे जब हम ब्रश करते हैं एक ही साइड पे कोटिंग करेंगे तो अच्छा होगा, पर उसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लेटर इसका टेक्सचर बिल्कुल बदल देंगे। तो जब ये तीनों पेंट हो जाते हैं प्राइमर के साथ एक कोट, अब हम इसको ड्राई होने देंगे कुछ देर के लिए। इसको सूखने के लिए थोड़ा समय लगेगा। वंस ये सूख जाता है तो अब मैं इस पे यूज़ करूँगी ये बहुत ही मज़ेदार स्प्रे पेंट जो कि बेज का इनका कलर है। इसका एग्जैक्ट कलर एंड ब्रांड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। सो इसके साथ एक कोट हम स्प्रे कर देंगे सारे ही पॉट्स को और उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। हेलो प्यारे दोस्तों, तो वापस आ चुकी हूँ मैं बहुत सारे दिन के बाद, क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं व्यस्त हो गई थी। तो आज हम हमारे DIY को कंटिन्यू करेंगे। सो आज मैंने सोचा कि किचन काउंटर पे ही करते हैं। उसके लिए मैं ये एक शीट लेके आई हूँ, प्रोटेक्शन क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप शीट, यस, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और हवा में हम काम नहीं कर पाएंगे। सो आज हमारी कोशिश होगी कि हम फिनिश कर दें हमारा काम। सो ये शीट काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे। इससे हम यहाँ पे बिछा लेंगे ताकि मैस नहीं हो। सो वेसेस कुछ इस तरह के लग रहे हैं। ये जो वेस है इसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने रब करके उतार दिया रंग। सो अब हम दूसरी टेक्निक यूज़ करेंगे। पर ये काफ़ी अच्छा है, इन पर काफ़ी टेक्सचर भी है। पर मैंने एक ही कोट पेंट का किया है तो हमें नीचे डार्क कलर दिख रहा है। पर अगला हम अब करेंगे। सबसे पहले हम ग्लव्स पहन लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हैंड्स गंदे हों एंड हम हैंड से काम करेंगे तो ग्लव्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आज हम यूज़ करेंगे दिस स्पैकलिंग पेस्ट ताकि हमारे वेसेस को थोड़ा टेक्सचर मिले। सो फर्स्ट ये वाला वेस लेते हैं, हैंड पे लूँगी मैं और इसे थोड़ा टेक्सचर देंगे हम। सो अब क्या है कि मैंने ये स्पैकलिंग पेस्ट अच्छी तरह मल लिया है मेरे वेसेस पे ताकि हर कोई जो कोना है छूटे नहीं, सारा कुछ हाइड हो जाए। वंस मैंने ये अच्छी तरह मल लिया है, अब मैं मेरे हैंड एंड ग्लव्स की मदद के साथ ऐसे पैड करूँगी जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसकी फिनिश बहुत अच्छी नहीं होती। आप बहुत आसानी से ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, आपको जस्ट पैड करना है अपने हैंड के साथ। इसी तरह ये बड़ा वेस करेंगे, छोटा वेस करेंगे, गोल वाला वेस करेंगे और बहुत ही मज़ेदार टेक्सचर आ जाएगा हमारे वेसेस का। आप देख के हैरान हो जाएंगे कितना सही लग रहा है ये। So we'll see you tomorrow. Morning trying to run. I've suppressed the pain and the sorrow. And now that everything is done, you can't retrace it. What you did is wrong, and you might as well face it all. The pain and the shame, I've buried it away. My memories stay the same, and all the tears I should have cried, suppressed them all inside. Fury's my alibi. Let the manhunt begin. I'm coming down with all of my friends and right at your fucking door. अब इसको कुछ देर ड्राई होने देंगे। ये स्पैकलिंग पेस्ट है जो ये 15 मिनट में ड्राई हो जाता है, सुपर ड्राई है। पर उसके बाद मैं बिज़ी हो गई थी खाना वाना बनाने के लिए और अब ये सूख के कुछ इस तरह के लग रहे हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, राइट। और अब हम यूज़ करेंगे ये एक्रिलिक पेंट्स, ब्राउन एंड वाइट। इसका एक मिक्सचर बनाएंगे, वाइट ज़्यादा डालेंगे एंड ब्राउन टाइनी सा डालेंगे क्योंकि हमें इसको थोड़ी सी डर्टी लुक देनी है, जैसे पुराने होते हैं ना, एज्ड। सो थोड़ा सा ब्राउन डाल के अब मैं नैपकिन ले रही हूँ, पेपर टावल। उसके साथ मैं डैप डैप करके कुछ कुछ जगह 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 क्रिएट करूँगी कि ये बहुत पुराना हो चुका है। अब ये अपनी पसंद का करें, अगर आपको वाइट अच्छे लगते हैं वाइट ही रहने दें और जैसा भी आप लुक देना चाहते हैं डैप 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 करके क्रिएट कर लें। अपना समा लें अपने हिसाब से, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आपकी आईज को जो अच्छा लगेगा वैसे आप कलर दे दें। टैबिंग मोशन में पेपर टॉवल के साथ और अंदर एंड बॉटम बिल्कुल छूटे नहीं ताकि सारा कुछ एक जैसा ही दिखे। Particular reason, just hit by your wave. Maybe I'll grab a cup of coffee and listen to our favorite song. I'm such an idiot, I'm pathetic, thought I was moving on. Patiently wait. और वंस मैं सारे पॉट्स के साथ डन हूँ, इनको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी आउटसाइड। आज बहुत अच्छा मौसम था एंड धूप निकली हुई थी और इसको मैंने छोड़ दिया है बाहर। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, राइट? इतने मज़ेदार एक्सपेंसिव लुक आ गई उनमें। Watching reruns of our story while I'm lying on my back. I don't want anybody, I want you. I never talk about it, don't talk to you. But if you wanna find me, here's your excuse. I'll send a telepathic message with my coordinates. ऑलराइट प्यारे दोस्तों, तो फाइनली वी आर डन विद दीज वेसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ट्राई करेंगे इन वेसेस को घर में बनाने के लिए। सो अगर आप ये बाजार में लेने जाएं तो अराउंड 300 के करीब मिलेंगे आप इस तरह के दिखने वाले सॉलिड वेसेस, पर हमने ये अराउंड $50 में 3 बना लिए हैं और हमारे पास जो DIY का सामान है वो अभी भी बचा हुआ है। हम और चीज़ें भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में यूज़ की है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी ताकि आप भी ले पाएँ। और बहुत बार तो ये कलर्स हमारे घर में अवेलेबल ही होते हैं तो आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। बेकिंग सोडा भी घर में ही होता है तो शायद 50 से भी कम ही लगेंगे आपके और आप ऐसे वेसेस बना पाएंगे। अगर आपको ऐसी DIY वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना, हम और वीडियोस बनाएंगे। एंड मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये भी मत भूलना कि आप लोग बहुत प्यारे हैं जैसे भी हैं। आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय।